बेसलाइन डोपामीन, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरे ध्यान से समझना, क्योंकि ये वही पॉइंट है जहां से हमारी किसी भी लत को या तो ऊंचाई मिलेगी या नीचाई, यानी या तो लत बढ़ेगी किसी भी लत को, कैसी भी लत हो, ड्रग्स हो, नशीले पदार्थ हो, पॉर्न या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको लत के रूप में आपको आपके जीवन में दिख रही है, वो यहीं से शुरू होती है। तो ये पॉइंट समझना जरूरी है। तो मैं बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में भी बेसलाइन डोपामिन के बारे में बताया है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। देखो, बेसलाइन डोपामिन आपके दिमाग में एक केमिकल होता है। डोपामिन का एक सामान्य स्तर, उसे बेसलाइन बोल देते हैं, उसे कहते हैं डोपामिन। डोपामिन के कई स्तर होते हैं। जब आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हो जिसके आप एडिक्ट हो, तब आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। आप पॉर्न देखते हो तो डोपामिन हाई क्वांटिटी में रिलीज होता है। हस्तमैथुन करते हो या सेक्स करते हो तो आप में डोपामिन रिलीज होता है अधिक मात्रा में, ठीक। लेकिन इन चीजों में डोपामिन की डोज ज्यादा हो जाती है, मतलब डोपामिन ज्यादा मात्रा में आपके ब्रेन में रिलीज होता है, और उस ज्यादा की वजह से हमारा दिमाग उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इतना ज्यादा डोपामिन हमारे एवोल्यूशन में आज तक नहीं देखा गया और ना ही आज तक उन्होंने कभी महसूस किया। आप जरा खुद ही सोच कर देखो, क्या उन्हें उस टाइम पर इतना ज्यादा डोपामिन कभी मिला होगा? वो कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या उन्हें मिला होगा ऐसा पॉर्न? क्या उन्हें मिले होंगे ऐसे नशीले पदार्थ जो इतना ज्यादा डोपामिन रिलीज करे? नहीं ना। तो उस टाइम इतना नहीं था, लेकिन आज मिल रहा है। और जब इतना ज्यादा दिमाग को मिल रहा है डोपामिन, तो दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो उसी जंगल से निकला है, उसमें वही संस्कार अभी भी हैं, वो बदल नहीं सकते इतनी आसानी से, क्योंकि हजारों सालों तक हमारी यात्रा चली है। इंसान आज का तो है नहीं, तो वो संस्कार हमारे डीएनए में है। तो इतना ज्यादा डोपामिन शरीर अचानक एक्सेप्ट कर सकता नहीं। तो जब ज्यादा डोपामिन ब्रेन को मिलेगा तो वो डोपामिन रिसेप्टर्स को कम कर देता है, क्योंकि ज्यादा डोज में मिलता है तो फिर वो सिग्नल भेजना कम कर देता है, खुशी का अनुभव कम कर देता है। जैसे जैसे आपके अंदर डोपामिन किसी भी कारण से ज्यादा बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका ब्रेन शरीर को सिग्नल भेजना बंद कर देगा खुशी का। उदाहरण के लिए आप खुद ही इस बात को देख सकते हैं कि अगर हम किसी चीज को एक बार करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, उसे बार बार करते हैं तो खुशी बढ़ती है, लेकिन जब उसी चीज को बार बार करते हैं तो वो खुशी पहले जैसी खुशी नहीं रहती। ये बात आप जानते हैं। आप सोचते हैं कि ये सब जो किसी भी चीज के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, ये तो बाहरी दुनिया की वजह से हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमें जो महसूस हो रहा है वो सब हमारे अंदर चल रहा है। तो जैसे जैसे आपकी पॉर्न की आदत या किसी भी एडिक्शन की आदत, चाहे नशा हो, हस्तमैथुन हो, कुछ भी, जैसे जैसे वो आदत बढ़ती जाएगी तो दिमाग पहले के मुकाबले डोपामिन रिलीज करना कम कर देता है, क्योंकि जब ज्यादा क्वांटिटी में डोपामिन रिलीज होगा तो ब्रेन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और जैसे जैसे क्वांटिटी में डोपामिन ज्यादा रिलीज होगा, तो जैसे ही आप पॉर्न से हटोगे, अपने सामान्य जीवन में बिजी हो जाओगे, तो वो डोपामिन आपकी बेसलाइन से भी ज्यादा नीचे पहुंच जाएगा। और जब नीचे पहुंच जाता है तो आप अपने सामान्य जीवन में भी किसी भी काम को करने में खुश नहीं होते, आपको कुछ भी करने का फिर मन नहीं करता, क्योंकि डोपामिन क्रैश हो गया है। कुछ भाइयों को ये लगता भी होगा कि मैं तो आलसी हूँ, बता नहीं क्या हो रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा, किसी काम में मन ही नहीं लग रहा। अगर आप ब्रेन की इस बात को पकड़ पाए तो आप ये जानेंगे कि आपका बेसलाइन डोपामिन बिल्कुल नीचे गिर चुका है। जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं सही सही बताऊं तो उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिनका डोपामिन स्तर नीचे गिर चुका है, इसलिए वो उदास, हताश और डिमोटिवेट है। और ये सब होता है एडिक्शन से। जब बेसलाइन डोपामिन नीचे गिर जाता है तो जीवन में अगर समस्या ना भी हो, ना कोई परेशानी ना भी हो, तो भी वो परेशान रहते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि मैं परेशान हूँ क्यों, फिर वो परेशानी इधर उधर की ढूंढते हैं। आप अगर गेम खेलते हो, लगातार गेम खेल रहे हो, उसके एडिक्ट हो चुके हो, तो जब आप गेम से भी हटते हो ना, आपका बेसलाइन डोपामिन नीचे गिर चुका होता है। देखो, किसी भी चीज में अगर ज्यादा डोपामिन लोगे, वो चीज तुम्हें बाद में डिप्रेशन और दुख ही देगी, क्योंकि यही दिमाग का खेल है। अगर किसी चीज को एक्सट्रीम में करोगे, किसी चीज को हाई लेवल पर करोगे, तो उसके एडिक्ट हो जाओगे, और जब एडिक्शन हो जाएगा तो फिर डोपामिन क्रैश भी होगा। तो
तो बात यहाँ केवल पॉर्न या हस्मेथुन की नहीं है, जीवन में जितनी भी चीज तुम ऐसी कर रहे हो जिससे डोपामीन की हाई डोज मिलती है, तो तुम खुद ही देख लो, जब उससे दूर हटोगे तो देखोगे कि सामान्य काम भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो डोपामीन अब रिलीज हो ही नहीं रहा। तो पॉर्न और सेक्स या हस्मेथुन को केवल बुरा मत मानो, बुरा अपने जीवन की उसकी हर एक चीज को मानो जो आपको उतना डोपामीन दे रही है जितना हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन में कभी मिला भी नहीं। और इतना डोपामिन हमारे लिए प्राकृतिक नहीं है, ये आप प्राकृतिक है क्योंकि ये बाहर से आ रहा है। इसीलिए तुम्हें पॉर्न, इसीलिए तुम्हें हस्तमैथुन बुरा भी इसीलिए लगता है क्योंकि बेसलाइन डोपामिन नीचे गिर चुका होता है। अगर तुम्हारा बेसलाइन डोपामिन नीचे ना गिरे तो तुम्हें ना तो पॉर्न बुरी लगेगी, ना ही सेक्स से तुम भागोगे, ना ही तुम्हें वो बुरा लगेगा। सारा खेल वीरे का नहीं है। जब वीरे बहा देते हो तो उदास जो होते, तुम जानते हो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये नहीं है कि शरीर में अचानक से कमजोरी आ गई, इसका कारण ये है कि डोपामीन की जो हाई डोज थी वो एकदम क्रैश हो गई, और जब क्रैश होती है तो हम उदास होते हैं। ये नहीं कह रहा कि शरीर के तत्व बाहर नहीं निकलते, निकलते हैं बिल्कुल, पर जीवन पर जो असर आ रहा है वो उसका नहीं आ रहा, वो तो बनता रहता है लगातार। जीवन पर जो असर आ रहा है वो हो रहा है तुम्हारा बेसलाइन डोपामिन, अब बेसलाइन पर है ही नहीं, वो डोपामिन बिल्कुल नीचे क्रैश हुआ पड़ा है, इसीलिए जीवन में डिप्रेशन है। तो हस्तमैथुन और पॉर्न जो हमें बुरे लगते हैं इसी वजह से लगते हैं क्योंकि वो डोपामिन की एकदम चोटी बना देते हैं, और जैसे उनसे दूर हटते हैं वो चोटी अचानक से नीचे गिरती है। अगर तुम्हारा बेसलाइन डोपामिन गिरे ना कभी भी, तो तुम कभी भी इन चीजों को बुरा नहीं कहोगे, कह ही नहीं सकते कि वो बुरी है। बुरा इसलिए कह पाते हो क्योंकि बेसलाइन डोपामिन नीचे गिर चुका होता है। अब मैं बेसलाइन डोपामिन जो कर रहा हूँ आपको नहीं समझ आ रहा होगा कुछ भाइयों को, पर ये बात बहुत समझने वाली है। अगर वो खुशी का केमिकल उसका स्तर नीचे ना गिरे तो आपको ये चीज कभी बुरी लग ही नहीं सकती। ये सारा का सारा रासायनिक खेल चल रहा है। जिन भाइयों को गेमिंग का एडिक्शन नहीं है, जो गेमिंग की लत में नहीं है, क्या उन्हें अभी लगता है कि गेम बहुत बेकार चीज है, मुझे गेमिंग नहीं खेलनी चाहिए? नहीं लगता ना। आपको लगता होगा कि सामान्य सी बात है, मैं कभी कभार लूडो खेल लेता हूँ, बस सिंपल सी बात है, आपको ये नॉर्मल सी बात लगती होगी। गेम बुरा नहीं लगता ना आपको, क्योंकि उसमें आप ना तो अभी एडिक्ट हुए हो, ना ही उसकी वजह से आपका बेसलाइन डोपामिन गिरा है ना। लेकिन जिस चीज में आपका डोपामिन का स्तर गिर जाता है वो चीज आपको और ज्यादा एक्सट्रीम में चाहिए, और उसी चीज से आपको नफरत भी होती है, पर चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाते, उसे फिर बुरा भला कहते हो क्योंकि बेसलाइन डोपामिन गिर गया। तो बुराई ना तो स्त्री में थी, ना पुरुष में, ना काम वासना में, बुराई इनमें किसी में नहीं है, ना प्रकृति में। बुराई आपके एडिक्शन के ज्यादा होने की वजह से जो बेसलाइन डोपामिन नीचे गिर चुकी है उसे नॉर्मल ना होने में है। ध्यान देना बात को, बुराई स्त्री पुरुष काम वासना या प्रकृति में नहीं है, बुराई आपके एडिक्शन की वजह से जो बेसलाइन डोपामिन नीचे गिर जाता है और जब वो नॉर्मल नहीं होता, बुराई उसमें है। बेसलाइन डोपामिन अगर गिरा रहेगा तो आप भगवान की पूजा भी करोगे ना तो भी उसमें उदास रहोगे, दिन रात पूजा पाठ भी करोगे कहोगे मन ही नहीं लगता, शायद पूजा ही खराब है। अब ये तो आप समझ गए कि आपके जीवन में दुख परेशानी आ कहां से रही है। अब सवाल है कि क्या ये बेसलाइन डोपामिन हमारा कभी रिकवर नहीं होगा? क्या कभी हमारा डोपामिन बेसलाइन पर नहीं आएगा, या हमेशा नीचे ही गिरा रहेगा, हमेशा हम डिप्रेशन में ही रहेंगे? तो इसका समाधान है, और अब वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना, इसका समाधान है कि उन चीजों को पहले बंद करो जो आपको ज्यादा उत्तेजित करती है। यहाँ पॉर्न की बात नहीं चल रही है, सिर्फ उत्तेजित मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तेजित वही चीज करती है जो चीज डोपामिन की हाई डोज देती है, वही चीज डोपामिन लाइन को और ज्यादा ऊपर पहुंचाती है, और जब वो चीज डोपामिन को अचानक से हाई पर ले जाती है तो डोपामिन हमेशा फिर हाई पर नहीं रहता, उसे नीचे तो आना होगा, और अगर ज्यादा हाई होगा डोपामिन तो ज्यादा क्रैश भी होगा डोपामिन। तो पहले आपको केवल ऐसा नहीं है कि पॉर्न से ही हटना है, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं और अगर उस शॉर्ट से भी आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, आप एडिक्ट हैं उसके, मन नहीं है लेकिन फिर भी शॉर्ट वीडियो देखे जा रहा हूँ, तो समझ लो वो चीज भी आपके डोपामिन का स्तर गिरा रही है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे गेमिंग की एडिक्शन हो गई, या ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं गपशप में, उसमें भी बेसलाइन डोपामिन बढ़ता है। तो हमें वो चीज बंद करनी है जो हमारे बेसलाइन डोपामिन को एकदम हाई पहुंचाती है, जो हमें एडिक्ट बनाती है। तो ऐसी ऐसी चीजों को अपने जीवन से निकाल दो जो आपके डोपामिन को हाई लेवल पर ले जाती है। इसमें ही आपकी मोटिवेशन का जवाब भी है। आप कहते हो ना कि कुछ टाइम तक वीडियो देखता हूं तो
अच्छा और मोटिवेट होता हूँ, उसके बाद फिर वही नॉर्मल जीवन। अगर तुम वीडियो को स्पष्टता के रूप में देख रहे हो जो तुम्हारे आईने को साफ करे, तो ये बातें आपके जीवन में हमेशा याद रहेंगी। लेकिन अगर आप मोटिवेशन के लिए वीडियो देख रहे हो और मोटिवेशन टाइप वीडियो देख रहे हो, तो आप देखोगे कि जब तक वीडियो देख रहे हो तभी तक ये सब अच्छा फील होता है, खुशी होती है और ऐसा लगता है कि अब तो हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ घंटे ही बाद, आप देखोगे कि वो बातें आप भूल गए और वैसा असर अब है ही नहीं जैसा सुनते वक्त था। तो उसका कारण है बेसलाइन डोपामाइन, वो क्रैश हो चुका है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि आपको बेसलाइन डोपामाइन को कैसे अपने आप में सही स्तर पर लाना है और किस वजह से आपके जीवन में दिक्कतें थी। अगर ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध हुई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे पता चलती है कि हाँ, मेरा प्रयास असफल नहीं हो रहा। अगर लगे शेयर करने लायक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।